हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पद से हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अनिल खाची को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। सरकार ने राम सुभग सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार खाची को दिसंबर 2019 में मुख्य सचिव नियुक्त किया था। वहीं विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में मुख्य सचिव को पद से हटाने को लेकर खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में मुख्य सचिव को हटाने का मामला उठाया। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष से पूछा कि ऐसा क्या है कि अब मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विपक्ष के रवैये पर एतराज जताया और कहा कि किस अधिकारी को कहां बिठाना है, यह सरकार का अधिकार क्षेत्र है। बावजूद इसके विपक्ष ने सदन में शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि अफसरों को बदलने के लिए सरकार विपक्ष से नहीं पूछेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार क्या विपक्ष से पूछकर अफसर बदला करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों से क्या काम लेना है यह सरकार तय करेगी, ना कि विपक्ष। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय कई अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर मुख्य सचिव लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला विधानसभा में उठाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इस तरह अपमानित करना गलत है। कोई भी अधिकारी कहां होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियोरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया था। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी, चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है। उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उसमें राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना, वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सभी अधिकारी सक्षम हैं, अच्छे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुरूप जो है अपने दायित्व के निर्वहन में लगे हुए हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से अधिकारियों को अपमानित करने की अगर कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका संदेश जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष के सदस्यों ने माना कि मुख्य सचिव की नियुक्ति सरकार का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन एकाएक मुख्य सचिव को हटाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल का बेटा मुख्य सचिव जैसे अहम पद पर बैठकर हिमाचल के लोगों की भावनाओं और समस्याओं को अच्छे से समझता था, लेकिन बिना किसी वजह के मुख्य सचिव को पद से हटाना समझ से परे है। जी सर, काफ़ी दिनों से अटकलें चल रही थी मुख्य सचिव को बदलने की, आज वो नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से जारी की गई है। विपक्ष के नाते आपका क्या मानना है, जो समय चुना गया है क्या है सही है? देखिए, ऐसा है कि आज विपक्ष ने जो इस मामले को उठाया भी है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि चीफ सेक्रेटरी किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। अभी जो मामला सामने आया है और जो खास तौर पर विपक्ष ने भी उठाया है कि आखिर क्या वजह थी कि डेढ़ साल अभी चीफ सेक्रेटरी जो अनिल खाची जी थे और हिमाचल के बेटे थे, उनको हटा दिया गया और दूसरे व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया। ये समस्या जो है इसको लेकर विपक्ष ने जो है मामला उठाया। हालांकि इस सरकार में 4-5 जो है चीफ सेक्रेटरी बदले गए हैं, एक खाची अपने बाल्दी जी तो रिटायर हुए, बाकी जो है वो दिल्ली चले गए। तो ये समस्या जो है कि आखिर बार बार चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं और जिस व्यक्ति को डेढ़ साल अभी रिटायरमेंट को उसको आपने हटा दिया और उनको जबरदस्ती हटाया, कैसे हटाया है वो मामला जो है तो। और दूसरी बात है कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हिमाचल का कोई बेटा जो है वो शीर्ष पद पर पहुंचा है तो उसको क्या कारण है कि उसको हटाया गया। ये मामला जो है निश्चित तौर पर सामने बनता है और इसको लेकर विपक्ष ने मामला उठाया है और मामला है भी गंभीर है कि हिमाचल के आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने प्रदेश में। ठीक है, अफसर तो सारे जगह जगह से आते हैं और जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको काम पे लगाना चाहिए, जो लगाए हैं वो भी अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि ये मामला जो है अगर विपक्ष ने उठाया है और हमने उठाया है
तो निश्चित तौर पर ही मामला तो है जी। जी सत्ता पक्ष का कहना है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो चीफ सेक्रेटरी पद पर बैठे थे उसमें वरिष्ठता की सूची को भी ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर इनकी नियुक्ति की है और जिस पद पर अभी इन्हें बैठाया गया वो भी काफ़ी अहम पद है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है कि कई बार सरकमस्टांसिस ऐसे बनते, मैंने तो पहले ही कह दिया कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, पर इस मामले को लेकर जो है जो संशय है या जो विपक्ष ने मामला उठाया वो यही है कि हिमाचल का बेटा जिसका 1.5 साल अभी रिटायरमेंट को था और उनको हटाया गया है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि इस मामले को उठाए, सरकार को बताना चाहिए भी क्या करना है। हालांकि हम ये बार बार हम भी यही बात कह रहे हैं कि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि किसको लगाना किसको नहीं लगाना, परंतु फिर भी हिमाचल के किसी व्यक्ति को हटाया गया है तो पूछना जो है सरकार से ये बनता है। मुख्य सचिव को बदलने पर कांग्रेस के सदस्यों सहित माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने भी अपना विरोध जताया। सिंघा जी, जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे थे कि मुख्य सचिव हमारे बदलने की काफ़ी दिनों से क्यास लगाए जा रहे थे और सरकार ने अब अधिसूचना भी जारी कर दी है, क्या मानना है आपका, क्या है बतौर माकपा प्रत्याशी क्या मानना है आपका इस मुद्दे में? नहीं देखिए, बदलना कौन अफसर किस कुर्सी पर बैठेगा ये बिल्कुल प्रियोगेटिव ये सरकार का होता है, उसमें कोई दो मत नहीं होने चाहिए और कोई ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए कि सरकारों का अधिकार नहीं है कि कौन अफसर किस कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये इसका है कि बदलने के पीछे कारण क्या है, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप मेरे पर यकीन करें, मुझे मालूम था कि प्रेस वाले मेरे से इस विषय के बारे में पूछेंगे और मैंने मन बना दिया था मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी टिप्पणी का कारण क्या है आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मोबाइल अब स्विच ऑफ कर दिया है, मुझे अनगिनत लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत साधारण है जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, ना जाने मेरा नंबर कहां से उनने ले लिया, और वो मेरे से जानने चाह रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता हूं, ये सरकार को ही मालूम होगा, जिसका मतलब क्या है, ये साफ संकेत है आज जो हिमाचल का जन साधारण है वो हिमाचल प्रदेश के जो अफसर है उसको प्रेफर करता है विश्व जो भारत है। क्या कारण है मैं कह नहीं सकता हूं, अप्रोचेबल है, हिमाचल की परिस्थिति को वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या कारण है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये फैक्ट है हिमाचल प्रदेश में हिमाचली जो होगा आम हिमाचली प्रदेश उसकी तरफ नजर रखता है कि उसको राहत देने में वो सक्षम हो सकता है, वो दे पाए नहीं दे पाए मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन लोगों की आस रहती है कि कौन अफसर होगा, कौन मंत्री होगा, कौन विधायक होगा, उस तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, अपना दुखड़ा सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, अपने दुखड़े को दूर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यह मानसिकता है, इस मानसिकता का तो मैं नहीं बदल सकता है, ना आप बदल सकते हैं ना सरकार बदल सकती है, ख्याल रखें आप, ये आज लोगों के जहन में बैठ गया है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ बेइंसाफी हुई हुई है नहीं हुई है उस पर नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन ये लोगों की मानसिकता का हिस्सा बन गया और मैं समझता हूं ये गुड टेस्ट के अंदर नहीं हुआ, ये गुड टेस्ट के अंदर नहीं, मैं दोहरा रहा हूं हमारी व्यवस्थाएं नियमों के आधार पर चलती हैं और उस नियम में एक नियम यह है वो सीनियोरिटी है, इस बात पर तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पिछले दिनों में ये पाया गया कि पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश में दो ऐसे हिमाचल प्रदेश के अफसर थे, एक तरुण कपूर एक अनिल खाची, जो फर्स्ट 50 में आते हैं
इस सरकार को पसंद है नहीं पसंद वो भी नहीं मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्या मजबूरी रही है वो भी नहीं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये सारा कार्य आपने सेशन में चलते हुए कर दिया, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू में, ये सरकारों ने निर्णय लेना होता है कौन उनके लिए अवसर कन्वीनियंट है, कौन उनको क्या कहते हैं सही लगता है, तो ये सारी बातें सरकार ने तय करनी है। मैंने तो अपनी मन की बात कही है, और मन की बात भी तब कही है जब नीचे से लगातार आम जन के अनगिनत फोन आए हैं, तब मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ। मैंने सुबह भी प्रेस वालों को जब मेरे पास आए मैंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी मैं टिप्पणी कर रहा हूँ जो नीचे से जनता का दबाव है उस दबाव में। और ये ख्याल रखना ये कोई शिमला जिला से नहीं आ रहे हैं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आवाम है वो हिमाचली है, और जो हिमाचली होगा उसके अब प्यार हिमाचल प्रदेश से निश्चित रूप से रहेगा और रहने वाला है। आप जो मर्जी कर ले, जो सरकारें आ जाए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आवाम की मानसिकता है तभी बना ये प्रदेश। ये थोड़ी नहीं कि ये क्या कहते हैं ये परमार साहब उठे और ये हिमाचल प्रदेश बन गया, ये लोगों की इच्छा थी कि अलग से राज्य बनना चाहिए और उसको रिप्रेजेंट जो है लोगों की वो जो आवाज़ है और वो जो दर्द है वो डॉक्टर परमार और डॉक्टर परमार की टीम ने किया, तब बन गया हिमाचल। बहुत लोग नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश बने, लेकिन वो चाहना ना चाहना जनता तय करती है। और इसीलिए मैं समझता हूँ, मैं आपके पास बयान भी इसलिए दे रहा हूँ जो नीचे से दबाव लोगों ने पैदा कर दिया है, तब मैं अपना मन रख रहा हूँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ। जी, जिस तरह से माकपा विधायक राकेश सिंघा जी ने कहा कि इस समय जो हिमाचल की जनता है वो एक हिमाचली को ही इस सीट पे दिखना चाहेगी, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का दुख दर्द अच्छे से समझता है। राकेश सिंघा जी, जिस तरह से जो खाची जी थे वो अपने सख्त मिजाज के कारण भी कई बार लोगों को अड़ते थे, क्या कई बार बैठकों में ऐसा कई मामले सामने आए हैं जो अपनी सख्ती से उन्होंने कई निराश भी हुए हैं, अधिकारी भी हुए हैं या मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी निराश हुए, क्या इसके पीछे एक ये भी कोई कारण माना जा सकता है? देखो मैं कह नहीं सकता, मैं इस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे इस पर टिप्पणी करूँ जब मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो मुझे कुछ लोगों ने कही है, जो और मेरा वो बन रहा है। जब तक मेरे सामने सारे तथ्य नहीं आएंगे मुझे कोई भी ऐसा बयान देना सही नहीं रहेगा। ये जरूर मैंने सुबह कहा है कि आज की तारीख में एक प्रवृत्ति है पूरे देश के स्तर पर, और वो प्रवृत्ति क्या है, जो कॉरपोरेट घराना है बड़ा मजबूत हो गया है, वही तय करता है कि मुख्यमंत्री भी कौन होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि आज मुख्यमंत्री एक है कल को कॉरपोरेट घराने इतने मजबूत हो जाए वो कह के नहीं पसंद नहीं आप को नया आ जाए। तो ये फैक्ट है कि कॉरपोरेट आज पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहा है और खेत खलिहान पर आ गया। मुझे बताएं 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, कोई ऐसा आंदोलन पूरी दुनिया में चला है कि 8 महीना 500 से अधिक लोग शहीद हो गए हैं, और फिर भी वो सरकार कहती है कि हम 3 कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, क्या कारण है? ये कॉरपोरेट का दबाव है। क्या दबाव है? कि अब कॉरपोरेट इस पर नहीं है कि वो पूरा ये BSNL को खरीद ले, सेल को खरीद ले, ये क्या कहते हैं ये बिजली को खरीद ले। अब तो कॉरपोरेट चले गया है कि जमीन पर खेत खलिहान पर कब्जा करना उन्होंने। मुझे याद है जब अडानी आया था हिमाचल प्रदेश में तो बोलता था कि स्प्रे करके देंगे तुम्हारे खेत में, नेट लगा के देंगे, ग्रेडिंग नहीं जानते ग्रेडिंग करके देंगे, आपकी प्रूनिंग करके देंगे। हमने कहा कि CA स्टोर चला, प्रूनिंग भी जानते हैं, नेट लगाना भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि किस तरीके से स्प्रे की जाएगी। ये मेरा खेत है, खबरदार मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। उस टाइम कानून नहीं था, अब कानून बन गया उसके पक्ष में, अब आगे बढ़ेगा, वो खेत खलिहान की तरफ भी बढ़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी, आज 75 साल बाद
पूरी नीति बदल गई। वो दिन याद आ रहा है जब भगत सिंह कहते थे कि ऐसा ना हो कि इस अंग्रेज को तो हम भगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो काला अंग्रेज देश के सिंहासन पर बैठ जाएगा। आज वहीं वो पहुंच रहे हैं हम, जब जो काला अंग्रेज था वो हमारे सिंहासन पर पहुंच गया है और जो देश की संपत्ति है एक एक कर उसको अपने हाथ में हथियाना का काम कर रहा है। जी, जिस तरह से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी को ऐसे समय हटाया गया है जब यह हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, समय सही नहीं चुना गया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि चीफ सेक्रेटरी अधिकारी को किस पद पर बिठाना है सरकार का कार्यक्षेत्र, इसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि आज का जो समय है कॉरपोरेट हाउस काफ़ी हावी हो चुके हैं, वो आज की डेट में कॉरपोरेट हाउस तय कर रहा है कि किस तरह की क्या सरकार किस तरह से चले। इनडायरेक्टली कॉरपोरेट हाउस ही सरकार को चला रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल में भी कॉरपोरेट हाउस, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का जो इन्होंने आरोप लगाया कि हाथ है। दूसरी ओर जो हमारे कांग्रेस के विधायकों ने भी चीफ सेक्रेटरी को बदलने पर थोड़ी नाराजगी जताई है। बहरहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साफ कह चुके हैं कि इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी चीफ सेक्रेटरी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी के पद पर बिठाया गया है जो वरिष्ठता की सूची में भी काफ़ी पीछे थे। विपक्ष के इन तमाम नाराजगी और आरोपों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कह दिया है कि कौन से अधिकारी को किस सीट पर बैठाना है ये सरकार तय करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अपने सहयोगी राजेंद्र काली के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।